अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लिबर्टी गोट फार्म पर हूँ मैं, जो कि एग्जैक्ट हमारे शाहिद भाई एसएस गोट फार्म वाले उन्हीं के सामने ये फार्म है। इससे पहले भी मैंने एक से दो टाइम आप लोगों को यहाँ की वीडियोस बताया हूँ। हर नस्ल के जानवर औरंगाबाद में अगर आप लोगों को ढूंढना है तो ये फार्म आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इंशाल्लाह आज शाहिद भाई से बात करेंगे और ओनर से बात करेंगे, जानेंगे रीज़न यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, लिबर्टी गोट फार्म पर लेकर आए आप, क्या रीज़न है आज अपना यहाँ आने का? भाई अपने औरंगाबाद में अच्छा बड़ा बोले तो शॉप फार्म में इतना बड़ा फार्म किसका नहीं आ जी। और भाई के पास में हमेशा हर माल अवेलेबल है, हर नस्ल के बकरे बकरियाँ मिल जाते हैं। तो हमारे साथ जो फार्म के ओनर है मौजूद है, सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई, जैसे हमने बताया यहाँ पर हर नस्ल के जानवर मिल जाएंगे, तो वीडियो बनवा रहे हो उसका क्या मकसद है? आज कुछ सेल कराएगा? कुछ सेल भी करना है। सेल भी करना है। आपका एग्जैक्ट फार्म कहाँ पर है औरंगाबाद में? ये लिबर्टी गोट फार्म जी, गट नंबर 62 और फोन नंबर 9427-15097। ओके, तो फोन नंबर 8329-32927-3556। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। तो आपके फार्म का पूरा टूर करवाएंगे हमें जी। ठीक है, तो ये पहला नंबर का बकरा आपने पकड़ा है, माशाल्लाह नस्ल कौन सी है? ये सोजात नस्ल का है। सोजात नस्ल का है और तैयारी बहुत ही शानदार हुई माशाल्लाह। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा बकरा देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह। वज़न से शुरुआत करेंगे, कितना वज़न होगा इसका? इसका 60 किलो होगा। 60 केजी जी। क्या बोलेंगे शाहिद भाई? लोग बोलते हैं औरंगाबाद में बड़े बकरे नहीं है, सब है भाई। ऐसे लोग हैं जो शौक कर रहे हैं औरंगाबाद में। तो सलमान भाई कुछ बताइए, आपके फार्म के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। वैसे तो हम आपकी वीडियोस बना चुके हैं पहले भी जी जी। कितने सालों से काम करते हो आप? ये अपन 2015 से कर रहे हैं। 2015 से जी जी। और औरंगाबाद में एक लहर चल रही है एग्जॉटिक की, आपकी एक डिफरेंट लहर चल रही है, कुछ सोजात है कुछ कोटा है, क्या सोच? ये जो मैंने स्टार्ट में पाला ना तो यही ब्रीड खत्म नहीं हो रही, असल में मेरे पास 150 हो गए थे माशाल्लाह, मगर जो है अभी मेरे को लेबर का प्रॉब्लम आ रहा तो इसलिए मैं कम किया। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 बकरिया है मेरे पास, 70 से 80 बकरिया। अभी इसमें मैं टोटल दो ही ब्रीड में काम करने वाला हूं जी जी, एक बर्बरी में और एक कोटा में। वही कोटा में भी काम करेंगे आप? जी जी कोटा। सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तंदुरुस्त जानवर है आपके। और ये दांत कितना है सलमान भाई? ये छठा दांत लगा रहा है। छठा दांत लगा रहा है, तो ये आप दे देंगे? जी जी देंगे। चलेगा, रकम बताएंगे उसकी कितने में देंगे? ये 32,000 तक देंगे। 32,000 तक देंगे, कम करेंगे उसमें? हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके पास कौन कौन से जानवर मिल जाएंगे आज के डेट में बकरों में? मेरे पास अभी कोटा में भी बकरा है। कोटा में भी है जी। पहले हम पहले बकरे बकरे बता देंगे, फिर बकरिया बताएंगे इंशाल्लाह। ये कोटा में गुलाबी है, पूरा गुलाबी है। मैंने सॉरी उस बकरी की हाइट पूछना भूल गया था, कितनी होंगी शायद भाई आपके अंदर से उसकी हाइट? 37-38 और इसकी? इसकी भी 37-38 उतनी आएगी। अच्छा लंबा बकरा है माशाल्लाह, लेंथ लाइन लेंथ बेहतरीन। कितने दांत है देखो सलमान भाई? ये भी 4 दांत हो गए। 4 दांत हो गए क्या? छट्टा खोल दिया क्या? वजन कितना होगा आपके अंदाज से? इसका भी 55-60। बहुत ठोस बकरा है सलमान भाई, इधर हका लो उसको, शानदार बेहतरीन। तो ये आपके घर पे पैदा हुआ था बच्चा? नहीं ये मैंने मंगाया था। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है, रुबाब देखो उसका माशाल्लाह शानदार। तो ये कोटा नस्ल का बकरा, इसकी कीमत बताने वाले आप? इसकी 35,000। 35,000 रुपये, सारे नेगोशियल प्राइजेस है ना? और कोई बकरे है आपके पास? अभी छोटा में है, बता दीजिए जो अगले साल काम आएंगे फिर जी। माशाल्लाह सलमान भाई, 4 आदमी लगे इस बकरे को पकड़ने के लिए, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। तो ये टेडी बरबरा, ये आप क्यों बता रहे हो, मकसद क्या है, सेल करेंगे? ये नस्ल है। अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं अपन पास इससे ब्रीड हो रही है। अच्छा अच्छा, इससे ब्रीड करवा रहे बरबरी की, तो ये आपका ब्रीडिंग बक है? हाँ। तो ये सेल नहीं करेंगे आप? नहीं, ये नॉट फॉर सेल। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, बच्चे ऑलरेडी बुकिंग में है। हाँ जी, इतना खूबसूरत कलर है उसका शाहिद भाई, बरबरी वाले क्या बोलते हैं, अच्छा शौक मिला भाई को माशाल्लाह। टेडी और टेडी दो दांत है अभी, सिर्फ दो दांत, सिर्फ दो दांत। और टेडी में नासी अभी नहीं के बराबर है ना शायद? नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, मांडी वगैरह चिकनी। तो ये ब्रीडिंग बक रहेगा आपका जी, जी। बरबरी का जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कुछ छोटे बच्चे जो अगले साल के लिए प्रिपेयर हो गए वो बता दीजिए ना बकरे। ये पकड़े पकड़िए हाँ। नसल कौन सी आएगी? ये क्रॉस में, क्रॉस में है, कोटा क्रॉस, ये उस्मानाबादी से क्रॉस है। ओके ओके, बहुत शानदार। तो आपने ये कौन से बकरीद के हिसाब से रखा था आपका फार्म जैसा? हाँ, कि बकरीद को बकरे तैयार करूंगा इंशाल्लाह। अब वैसा अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूरत नहीं पड़ी अपने को। अच्छा अच्छा, क्योंकि अपने पास जो है वैसी
साल भर में बच्चे बिखरे होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं 6 महीने के 8 महीने के लोग लेना पसंद करते हैं, बड़े फार्म ये वाले। 4 महीने के बच्चे अपने पास 15-16 किलो के होते हैं, तो 6-7 हज़ार में आराम से चल जाए। ये 4 महीने का है सिर्फ? अरे वाह माशाल्लाह, ये आपके बड़े बकरे का ही रिजल्ट है ये? जी जी, बेहतरीन रिजल्ट है माशाल्लाह। छोड़ दीजिए, 4 महीने में अच्छी ग्रोथ मानेंगे ना शायद। ये एक और? ये 6 महीने का। 6 महीने ये असल में गौरान से करा से। अच्छा अच्छा, लेकिन सोजात और कोटा करो, सारे डबल हड्डी के बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक, और कुछ बकरे रह गए? ये कोटा है ब्लैक, ये कोटा है, ये भी सेल हो गया है। अच्छा, बिक गया ये? हाँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, ये 10 हज़ार में गया। अच्छा अच्छा दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा रकम दिया, शानदार। और ये बकरियां हैं अपने पास सोजा, 10 है, 10 बकरियां। ये क्या है, लगा देंगे जो भी। अच्छा, जो कॉल करता है उसको बता देंगे कितने में देना। फार्म सेट माल है पूरा, वैक्सीनेटेड माल है ना। और बकरियां गाबन रहेंगी इसमें से? बकरियां गाबन भी है और कुछ बच्चों के साथ है। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ है। क्या दांत से क्या दांत तक की बकरियां इसमें? ये 6 दांत से 8 दांत, 6 दांत से 8 दांत की 2 बकरियां 8 दांत। ये प्योर गुलाबी जी जी जी। इसको आग को क्या मसला है इसके? नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं क्या गुलाबी है माशाल्लाह ये? हाँ गुलाबी। ठीक है, उसके बाद कुछ और बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं यहाँ पर। ये नस्ल, ये भी सोजा थे माशाल्लाह, साइजेस काफ़ी बड़े बड़े हैं बकरियों के। ये कौन सी नस्ल? ये कोटा बकरी, गुलाबी में माशाल्लाह। और एग्जैक्ट कॉपी लग रही हो आपके मेल की? हाँ, जो आपने बताया सबसे पहले, बेहतरीन। हाइट लेंथ बहुत लंबे लंबे होंगे, अच्छी बड़ी बड़ी बकरियां है। कोई अगर बकरियां है ये 10 के 10 ले लेंगे तो उसको अपने हिसाब में देंगे, हिसाब से पट्टी में लगा देंगे। और बहुत सारे बकरियां गाबन है बोल रहे हैं आप इसमें से, और बच्चे कुछ बच्चों के साथ? बच्चों के साथ चलेगा, तो वो पूरा लॉट बच्चों के साथ भी जाएगा ना? अब जो भी ठीक, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बकरियां है तो इतना बताना मुनासिब तो नहीं रहेगा, और वक्त ज़्यादा जाएगा तो हम फटाफट से आपके बकरियां बता देंगे। नस्ल बताइए कौन सी है? ये गौरान में क्रॉस है बीटल से, गौरान बीटल क्रॉस। सेहत का राज क्या है आपके पास बकरियों की माशाल्लाह? ये जो अपन क्या है, ये ग्रेजिंग भी करते हैं, चरा के भी लाते हैं। जी जी, फिर अपने पास यहाँ चना चुनी और मक्का है। ओके ओके ओके, और ग्रेजिंग करने के बावजूद भी बकरियों में इतनी अच्छी शाइनिंग मेंटेन रखना, कैल्शियम चालू रहता? हाँ, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे मेंटेन किया। ये फर्क होता है एक फार्म की बकरियां और बाजार की बकरियों में। बकरियां देखो वेल सेट है, वो बड़ी बकरी निकाली है भाई, ब्लैक वाली। ये नस्ल कौन सी? काठियावाड़ी बकरी, बहुत बड़ी, 2 से 2.5 लीटर दूध, 2 से 2.5 लीटर, शानदार। उसके पीछे एक और बहुत शानदार बकरी है ब्लैक कलर में, ये उस्मानाबादी, बेहतरीन, बड़े बड़े साइजेस की बकरियां। उसके बाद वो जो कोटा वो था सोजा, ये कोटा से क्रॉस है, ये भी शानदार बकरी है माशाल्लाह, बेहतरीन। दोस्तों कंडीशन देखिए आप लोग, हालात देखिए बकरियों की। ये देखिए सोजात से क्रॉस है, सोजात का है। अच्छा, ये एक और बकरा रह गया था, कितने महीने का बच्चा है ये? ये भी 4 महीने का बच्चा, ये भी 4 महीने का। बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे बच्चे माशाल्लाह से। अपना टारगेट है 15 से 20 किलो 4 महीने में आना, आ जाना सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है। अगर वीडियो के जरिए से कोई आपको नस्ल मांगता है कोटा सोजात में, अगर हाँ, आपके फार्म के अलावा भी, तो अवेलेबल करवा के देंगे फार्म सेट माल? चलेगा। कुछ और बकरियां बताएंगे आप? वो एक और कोटा है, अपने पास 4 मेंढे है। ये कौन सी नस्ल है? मेंढे है, ये राजस्थानी नस्ल है। अच्छा अच्छा, इनको राजस्थानी बोलते हैं जी, इनकी दुम लंबी आती है। ओके ओके ओके, क्या है ये, मेल फीमेल है? हाँ मेल फीमेल है, 2 मेल है 2 फीमेल है। कौन से फीमेल है इसमें से? ये इसमें से एक ब्राउन वाली मेल है। अच्छा, और ये वाइट फीमेल है। ओके ओके, और ये मेल है और ये फीमेल है। कितने दांत के ये वाली, कितने दांत? ये भी बिन दांत है। अच्छा, पूरा दंत है? जी जी, ये 5 महीने के होंगे हार्डली। हाँ, 5 महीने में इतनी शानदार ग्रोथ। इधर करिए उनके चेहरे थोड़े से जी, शाहिद भाई थोड़ा इधर रखा लो। ठीक है, ये कितना समय हो गया आपके पास होकर? जी ये मेरे पास 6 महीने से है। 6 महीने से? 5 महीने से। क्या रेट से लगाओगे ये चारों, कोई लेता है तो एक साथ? ये फोन पे बता देंगे ना, इसका भी फोन पे जो बेचने वाला ले रहा था। ओके, कोई आगे सेल कर रहा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा तो नहीं रहेगा सलमान भाई? नहीं नहीं, एकदम कम कम में रहेगा। तो भाव कैसा देंगे, किलो से देंगे या? नहीं, नक से लगा देंगे। नक से लगाएंगे, चलो। मगर मेल फीमेल जोड़ी देंगे, सिंगल नहीं देंगे। मेल फीमेल की जोड़ी चाहिए देंगे। ओके, और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है बाहर? हाँ है ना अवेलेबल।
ये काफी खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। ये हमारे सोजात के बच्चे हैं। सोजात के, अरे वाह, बच्चे निकाले आपने यहाँ। हाँ, ये बच्चे हैं। तो जो पूरे बच्चे की, तो ये जो लॉट देंगे हम, ये बच्चे उसी में जाएंगे? हाँ, जो जिनके बकरे हैं, समझो जो बकरी पसंद करता अगर उसके साथ बच्चे होंगे तो बच्चे चल जाएंगे। अरे क्या खूबसूरत कलर निकाला सलमान भाई ने, इनका नाम भी सलमान भाई है। ये जो बच्चे हैं अपने, तीन बच्चे, एक हाँ। बकरी के है, ये बकरी सेल होगी 22। अच्छा, हो गई है? जी जी। कितना खूबसूरत बच्चा गया। जी जी, बहुत खूबसूरत बच्चा गया माशाल्लाह। बच्चा भी, ये सोजात का रिजल्ट है अपना? हाँ, सोजात का बेहतरीन रिजल्ट। अपने पास दो ही बकरे हैं, सोजात और कोटा में। चलो, बच्चों में रिक्वायरमेंट, बच्चे कैसा सेल करते हैं आप सलमान भाई? कितने महीने? अपन 3 महीने के बाद सेल करते हैं। 3 महीने के, 15 किलो के ऊपर हुए बाद सेल कर देते। ओके, जो हमने बताया बस वो वैसे ही बच्चे सेल करते। ऐसे छोटे बच्चे अगर नहीं, नहीं, ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते, दूध छुड़ा के क्या फायदे का? अभी ये 15 दिन के बच्चे हैं, तो ये माओ के साथ ही लेके जाना पड़ेगा। ओके, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह, और देखो कितना अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। वैसा भी अपना क्या है, 3-4 महीने के बाद भी बच्चे जो है ना 6-7 हज़ार एकदम नॉर्मल रेट में देते। अच्छा अच्छा, अच्छा नॉर्मल रेट में ही देते। बकरी ईद के लिए कोई भी शौक कर सकता है अपने घर में पाल के। एक बात खास नोटिस किया हो मैंने औरंगाबाद में, मैंने जैसे बहुत सारे लोगों के फार्म्स के वीडियो बनाया हूँ, दिक्कत काफ़ी आती है फार्म पे पालने की, तो हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाती है। हाँ। जू पिस्सू की वजह से अपने पास हेल्थ इसलिए मेंटेन होती है कि अपना ग्रेजिंग है ना, तो बकरियों को वार्म अप हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर जन्ने वन्ने में भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेहतरीन बकरे। जी जी जी, शानदार। ये पूरा झुंड आ रहा है अभी, इसमें से आप बता रहे कुछ बकरियाँ सेल कर दी है आपने, कुछ भी समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट निकाल दो। जो नंबर दिया आपने वो व्हाट्सएप का भी है नंबर? हाँ, व्हाट्सएप का। शानदार। और फोन नहीं लगा तो व्हाट्सएप भी कर दे सकते हो ना? बिल्कुल, फिर बाद में मैं उनको कॉल कर लूँगा। ठीक है, इसमें सोजात है, कोटा है, उस्मानाबादी है, काठियावाड़ी है, काठियावाड़ी है, और कोटा में है जी, और कुछ क्रॉस बिल्ड की कोकन कन्या भी है। कौन सी है कोकन कन्या? उधर वो जो लाल पैर दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। उसके साथ दो बच्चे हैं, वो बकरी भी सेल को है। ओके ओके ओके, ये कोटा की बकरी है, इसने 2 बच्चे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताए थे क्या हमने? हाँ, ये बताए थे। ओके ओके, ये अपने पास है ना, ये तकरीबन अपने पास 5 साल की बकरी है। अच्छा, तो ये दे दिए क्या आपने? नहीं नहीं, ये है अवेलेबल, ये नहीं देने का, ये इसने बच्चा दिया। खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, चलेगा। तो एट प्रेजेंट अवेलेबल कितने अपने पास बकरियों में आपके हिसाब से? अपने पास सोजात में 10 मिल जाएंगे। ओके, और बकरे हैं 8-10 बकरे। 8-10 बकरे हैं, और दूसरी नस्ल में? दूसरी नस्ल फिर कोटा है। कोटा है, और उस्मानाबादी है। ओके ओके, ये बच्चे का कलर पैटर्न देखो माशाल्लाह, वाह। अब ये इसकी माँ है। अच्छा, ये बकरी से? जी। खूबसूरत, वो है बकरी अवेलेबल? हाँ, बकरी। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आप ला सकते हो उस बच्चे को पकड़ के? माशाल्लाह, ये किससे आया हुआ है? सोजात से आया हुआ है? ये सोजात से आया हुआ। वाह, इतना प्यारा आया है वो माशाल्लाह, काफी खूबसूरत लग रहा है। उसका कलर पैटर्न बोल रहा हूँ मैं, बहुत बहुत। और नाग, ये बुकिंग हो गया मगर? अरे बुकिंग हो गया, वरना ये उड़ जाता इंशाल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत, छोड़ दीजिए उसको। और हाइट लेंथ बहुत अच्छी है उसकी, प्यारा बच्चा माशाल्लाह। ठीक है, क्या बताएंगे आप इसके अलावा? और ये बस इतना ही था? हाँ, इतने ही है, और अंदर बर्बरी है मगर सेल है। ओके ओके ओके, चले। काफ़ी अच्छी मेहनत है आपकी बकरियों के पीछे, जो कि बच्चों में नज़र आ रही है। ब्रीडिंग सेटअप वाले अक्सर इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहते हैं कि वे बच्चे नहीं बच रहे। और अपने भी आधा फार्म है ना, रेंट से भी देने का है, कोई अपने आता अगर अपने बाजू भी हो जाता है। अंदर से बता देंगे फिर हम क्या देंगे। चले ठीक है, तो सलमान भाई हम लोग आपके फार्म में अंदर आए हैं। आधा सेक्शन आप आपके यूज़ के लिए ले रहे हो जी, और आधा सेक्शन आपका इरादा है कि कोई अगर रेंट पे लेना चाह रहा है तो उसको दे देंगे आप। चलेगा, तो ये कितना है, कितने बाय कितने का सेक्शन है जो कि रेंट पे देना है आपको? ये 32x40 का। 32 ऐसा है? हाँ। और 40 ऐसा है जी। एक एक जो इसमें ब्लॉक्स बनी ये कितने बाय कितने की है? ये 13x13 की। 13x13 की, यहाँ पर 1, 2, 3, वहाँ पर 1, 2, 3, दोनों तरफ से 3। आराम से 100 बैठ जाएंगे इसमें। आराम से बैठ जाएंगे 100। चलेगा, कोई बाहर से देख रहा है वीडियो, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पर जानवरों में, तो आप लोगों के लिए फार्म अवेलेबल है। और क्या रेंट सोचा है आपने इसका? 10,000 रुपये पर मंथ। इसमें क्या देंगे आप फैसिलिटी? इनको रूम भी दे देंगे, रहने के लिए जो बंदा रहेगा उनको रूम दे देंगे, बाकी पानी वगैरह फैसिलिटी तो रहेगा, फैसिलिटी वो तो है, चारा तो खुद को, सामने वाले को कितना भी घुमा सकते सामने हो। हाँ वही है,
सही, क्योंकि अपने को लग के पहाड़ है ना। हाँ, पानी की फैसिलिटी मिल रही है, जो केयर टेकर है उसको रूम मिल जाएगा इंशाल्लाह। चले, अच्छा ऑफर है, 10,000 रुपये में आप लोगों को काफ़ी अच्छा 100 बकरियों का या फिर बकरों का शेयर मिल रहा है। और जैसे आप लोगों को इसके बारे में पूछना है तो आप लोग भाई से पूछ सकते हैं। बर्बरी के बच्चे सेल करना, बर्बरी के बच्चे देना है। क्या है, मेल है फीमेल है? ये मेल है। और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा वो बाहर चला गया क्या? जी। ठीक, ये क्या चीज़ है, मेल है फीमेल है? दोनों मेल, दोनों मेल है। ये घर पे ही पैदा हुए थे आपके? नहीं, ये मैं ले बकरी के साथ आए। बकरी के साथ आए, ठीक है। 3 महीने के ना? जी। खा रहे, चारा वगैरह खा रहे? ठीक। तो दोस्तों आप लोग देखिए, काफ़ी मजबूत शेड बना हुआ है और काफ़ी अच्छे गवान जिसे कहते हैं वो भी लगे हुए हैं। और मिटमिटे में फार्म है जो कि काफ़ी स्पेशियस फार्म है, चरने के लिए यहाँ पे भरपूर जगह है। तो आप लोगों को अगर जैसे बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना है तो सलमान भाई से कॉन्टेक्ट करें। और काफ़ी अच्छे अच्छे शानदार बकरियाँ बताया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले तन में अगर टाइम मिलता है तो मुलाकात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।